ये प्रोपेगेंडा कैसे है, जब अमेरिका में कुछ होता है, किसी भी दूसरे मुल्क में होता है, तो हमारे देश के भी तमाम स्टार्स हैं जो उस पर ट्वीट करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, ये प्रोपेगेंडा क्यों है? किसानों के साथ वो खड़े हैं, चाहे किसी भी देश में रहे, किसी आंदोलन का समर्थन या विरोध कोई भी कर सकता है, क्यों गलत है ये? देखिए अजना जी, सबसे पहली बात कि आपने अभी चैनल पे दिखाया, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है। ये हकीकत है, उनको इसकी जानकारी नहीं है, किसी ने कह दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अगर हकीकत होता तो उनको पता होता है कि पार्लियामेंट, देश के पार्लियामेंट ने पास किया है, और देश के पार्लियामेंट में हर चीज डिबेट होके, डिस्कस होके, अपोजिशन के सपोर्ट से और रूलिंग पार्टी के सपोर्ट, सारे लोग मेंबर उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये सर्वसम्मति से पास होता है, और ये उसी तरह से पास हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। ऐसा है मानो कि हम लोग फार्मर्स के साथ बातचीत नहीं कर रहे, फार्मर के साथ 11 राउंड की बातचीत हो गई, लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना जानकारी लिए, बिना उसके बारे में तहकीकात किए, सेंसेशनलाइज करने के लिए, चूंकि आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है या आप फेमस पर्सनालिटी हैं, उसका नाजायज फायदा उठा के इस तरह का सेंसेशनल इशू बनाना, यह गलत है। तो उससे समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है किसी से, और कोई ऐसे लोग जो है इस चीज को बल दे रहे हैं, जो ऐसी ताकतें हैं, राहुल और यहाँ के देश के बराबर है, दोनों को नहीं पता, यहाँ के देश के नेता भी है जिसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है? अंजना जी, जितना स्टडी इन लोग ने रिहाना का कर लिया, अगर उतना स्टडी तीन फार्म लोग का कर लेते, आज परिस्थिति ये नहीं होती। देखिए अंजना जी, ये हमारा देश का मुद्दा है। आज लोगों को मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। तीन काले कानून के पीछे हम देख रहे हैं, 70 दिन से ज्यादा हमारे किसान बैठे हुए हैं, 100 से ज्यादा किसानों की वहां पे मौत हो गई। यहाँ पे जिस प्रकार से उनको आतंकवादी कहा, प्रताड़ित कहा गया, क्या सरकार को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? जैसे ही राहुल गांधी कुछ प्रेस करेंगे, इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल जाता है, उनका बेरोजगार प्रवक्ताओं को आज काम मिल गया उनको। देखिए, इतनी असंवेदनशीलता उनकी किसानों के लिए है, और जैसे ही लगता है कि सत्ता खतरे में आ गई, सारे लोग टूट पड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ठीक है, ये दखल है या नहीं? सुमैया राणा, जल्दी से। अंजना जी, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है, लेकिन बड़े बात करते हैं, सोशल नेटवर्किंग जरिया में हर जगह का हाल अहवाल जानने के लिए। तो जब हमारे मुल्क में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, उस वक्त में आप क्या बोलेंगी? जहां पर अगर कोई भी इंसानियत का लेना देना अगर किसी से भी होगा, तो ऑब्वियसली वो उस बात को ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने क्या सोच के, क्या समझ के ट्वीट किया, ये तो मुझे नहीं मालूम। कहां इंसानियत शर्मसार हुई, कहां पर इंसानियत शर्मसार हो गई? इतने किसान मर गए, इतने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चले जा रहे हैं, किस तरीके से बॉर्डर सील किया गया है, अगर सेना के लिए किया, किसानों पर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, ये कहां देखा आपने? मैंने खुद उसकी वीडियो देखी है, किसान पर ट्रैक्टर चला दिया। देखिए, अफवाहें मत फैलाइए। देखिए सुमैया जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कहां पर किसानों पर ट्रैक्टर चला दिया, कैसी बात कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी, ये तो अफवाह है, पार्टी के प्रवक्ता होकर किसी फेक वीडियो को लाके यहाँ उसके बारे में जिक्र कर रही है, इसके बारे में तहकीकात की आपने? आप तो रिहाना कैसे काम करे बिना तहकीकात के, बिना तहकीकात किए हुए आप उस वीडियो के बारे में जिक्र कर रही है, उसी तरह से जिस तरह रिहाना बिना तहकीकात किए बातों का जिक्र कर रही है। ठीक है, एक बार सुमैया राणा पूरा कर ले, पूरा कर। सुमैया जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने तहकीकात की क्या? आपने मुझे, आप तो सब पे शक है, आपको वीडियो के पे, आपको पता ही नहीं, फेक वीडियो चल रहा है, फेक वीडियो चल रहा है, आपकी पार्टी यही फेक वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है। सब कुछ फेक है, बीजेपी करने क्या चाहती है? आप फेक वीडियो का इस्तेमाल कर रही है, आपको जानकारी लेनी चाहिए थी, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से, मुख्य प्रवक्ता के हैसियत से, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही, आपको देखिए, आप अभी नहीं है प्रवक्ता, इसलिए मैं आपको ज्यादा तरकीब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप कम से कम ऑथेंटिसिटी देख ले। अच्छा, शर्म हमें आनी चाहिए, बेशर्मी की बात आप कर रहे हो, शर्म हमें आनी चाहिए, कैसी बात? सुबूही खान, जल्दी से सुबूही खान रिस्पॉन्ड कीजिए, वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो व्यवहार है उसकी वजह से दुनिया भर में नाक कट रही है। जी देखिए अंजना जी, ये किस तरह से भारत के अगेंस्ट एक नरेटिव बिल्डिंग करते हैं, अभी मैं आपको कुछ सेकंड्स में एक्सपोज कर दूंगी। चलिए मान लीजिए इत्तेफाक है कि रिहाना का या ग्रेटा थर्नबर्ग का या मिया खलीफा का एक साथ ट्वीट आना, हमने इत्तेफाक मान लिया,
लेकिन क्या ये भी इत्तेफाक है कि रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट किया है जगमीत सिंह ने, जो आउटलुक के एक आर्टिकल, पिछले साल के एक आर्टिकल के हिसाब से कनाडा के डेम लीडर कहलाते हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स के लिए फंड रेज करते हैं, प्रो खालिस्तानी है, प्रो पाकिस्तानी है। देखिए कानून ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार बनने हैं अंजना जी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कुछ भी होता है, सारी भारत विरोधी मानसिकताएं, चाहे वो वामपंथी हो, जिहादी हो, खालिस्तानी हो, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हो, अर्बन नक्सल्स हो, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हो या इंटरनेशनल पावर्स हो, सब एक साथ मिलके गठबंधन करके भारत के खिलाफ एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर देती है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे उनसे पूछती हूँ कि अगर आपको इतनी चिंता है किसानों की, तो क्या आप नहीं जानते कि एग्रीकल्चरल इश्यूज संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, केंद्र भी उन पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अगर आपको इतनी चिंता है तो आप राज्य के लेवल पे क्यों नहीं बनाते हैं किसानों के लिए कोई कानून? आपको ना कोई चिंता है, ना आप किसानों के साथ हैं, आपको सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है भारत विरोध करने का और मोदी विरोध करने का, उस शीर्ष नेतृत्व का विरोध करने का जो भारत विरोधी मानसिकताओं के सामने फियर्स वॉरियर की तरह खड़ा है, जो आदमी आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं सारे मिलकर, तो इसलिए आप झूठ बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं रोकने पर रिहाना ने पूछा है कि इस पर हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको तो रिहाना का ट्वीट अच्छा लग रहा होगा, सही लग रहा होगा प्रोफेसर? नहीं, मुझे तो अंजना जी, मुझे तो तब भी बहुत अच्छा लगा था जब मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और जब कैपिटल हिल पर उसी टर्म ने गुंडागर्दी करवाई थी, मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। देश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सपोर्ट किया फार्मर्स को, क्या गलत है? अंतरराष्ट्रीय युग है, अगर आप किसानों को, देश की 70% जनता को आप इस तरह से ठंड में मारेंगे और मोटे मोटे कील के खिचौड़े वहां पे सड़क में गड़वाएंगे और कटीली तारें लगवाएंगे, ये युद्ध के मैदानों में लगाई जाती है बॉर्डरों पे, तो आप युद्ध लड़ रहे हो क्या देश की जनसंख्या के खिलाफ? जनतंत्र चला रहे हो या गणतंत्र चला रहे हो या तानाशाही चला रहे हो? ये तो देशभक्ति नहीं है, देश के खिलाफ काम कर रही है हम ये सरकारें, और ये इसलिए कर रही है कि इनको पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है इस रक्षक में। ये पूंजीपतियों के लिए बजट आपने देख लिया ना, पूरा का पूरा बजट सेल लगाई है हिंदुस्तान में, एयर इंडिया सेल, ट्रांसमिशन लाइन सेल। लेफ्टिस्ट एजेंडा पर बताइए, बजट के दिन आप बहस हो गई थी सर इस पर, ठीक है आज के टॉपिक पर ही रहिए। जल्दी से सोना महाजन आपका रिस्पॉन्स, वो कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल हो चुका है सब कुछ, हर व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर लिखने के लिए स्वतंत्र है सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल ये है कि जिस एक व्यक्ति ने रीट्वीट किया है और जिससे रिहाना की दोस्ती का जिक्र हमेशा होता है, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ऐसे में क्या दूसरे नजरिए से ट्वीट को देखा जाए? सोना महाजन को बोलने दीजिए प्रोफेसर जी। अंजना जी, आप वाच में साफ चुप करवाइए ताकि मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक सेकंड। हाँ जी अंजना जी, पहले तो मुझे लगता है कि भारत देश की बहुत बड़ी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो किसी मुद्दे पे बात करने के बजाय वो एक, जिसको आप कहेंगे ना, खोखला प्रतीकवाद, हॉलो सिंबोलिज्म की लड़ाई में ही अटक के रह गया है। ये लड़ाई है रिटोरिक वर्सेस रियलिटी की। दो पक्ष इस लड़ाई में है, एक पक्ष है सरकार का, द इंडियन स्टेट का, जिसमें सरकार बार बार कह रही है और इसको तथ्यों के साथ सरकार इसको बैक भी कर रही है कि ये जो बिल्स हैं इनको पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद, ऑल लेवल्स ऑफ टॉक्स के बाद पास किया गया है, बट इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इन्वॉल्व हो गए, सरकार ने शुरू से कहा था, और ये तब साबित भी हो गया। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सरकार ने तो शुरू से ही ये बात कही थी कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट हम लोगों को लगा था कि शायद ये सरकार का अपना एक बचाव है, पर धीरे धीरे ये चीज साबित हो गई। हमने शुरुआत में ही देखा कि किस तरह के नारे ये सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में लगे कि इंदिरा को मार दिया, अभी आज के प्रधानमंत्री क्या चीज है, तो ये इस तरह की बातें तो शुरुआत से ही होती आ रही थी। रही बात रिहाना जैसे लोगों की, तो ये जो पॉप स्टार्स हैं, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई थिंक जस्ट बिकॉज एक मुद्दा जो है वो सेंसेशनलाइज हो चुका है, आपको उसमें तब तक नहीं कूदना चाहिए जब तक आप उसके सारे के सारे फैक्ट जो हैं
उनको आप समझ ना जाएं। अगर आप स्टोरी भी देखें जो रिहाना ने जो शेयर की है उसमें एक ही चीज को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में न्यू दिल्ली में जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे इंटरनेट ऑफ कर दिया गया है। अब ये कोई नई चीज तो है नहीं, दुनिया में कहीं पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ की ही जाती है ताकि लोग रूमर मॉन्गरिंग से बचें और इस तरह के झूठ फैलाने से बचें।